स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ्स क्लास एंड टुडे वी विल डू मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब जिन चीजों से, मेजरमेंट का मतलब होता है जब हम कोई भी चीज मेजर करते हैं, नापते हैं कि वो कितनी है, ठीक है, चाहे वो वेट हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो ब्रेथ हो, कुछ भी, ठीक है। सो सी, दिस इज चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 89। इन द फर्स्ट पिक्चर यू हैव टू सर्कल द लॉन्ग रोप, बड़ी वाली रोप को आपने सर्कल करना है। सो दिस इज लॉन्ग, दिस इज शॉर्ट। यहां पर आपको शॉर्ट ड्रेस को सर्कल करना है जो छोटी है। सो लेफ्ट साइड ड्रेस इज शॉर्टर। इन सेकेंड पार्ट यू हैव टू टेक द लाइट ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द डार्क। द पीस ऑफ केक इज हैवी एंड द लीफ इज लाइट। क्वाइन इज हैवी एंड द फैदर इज लाइट। कलर द बिगर ट्री डार्क ग्रीन एंड स्मॉलर ट्री लाइट ग्रीन। सो लेफ्ट साइड ट्री इज स्मॉलर, कलर इट विद लाइट ग्रीन, एंड राइट साइड ट्री इज बिगर, कलर इट विद डार्क ग्रीन। कलर द लॉन्गर पेंसिल विद रेड एंड शॉर्टर विद ब्लू। टेक द लाइटर एंड क्रॉस द हैवी। ओके, यहां पर मैंने किया ये। अब नेक्स्ट सी मेजरिंग लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं और कुछ नॉन स्टैंडर्ड, जैसे जो पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, मतलब हर एक पर्सन का अलग होगा वो मेजरिंग। जैसे अगर ये आपका फुट है, ठीक है, ये फुट स्पैन होता है इसकी, ये हर पर्सन का फुट स्पैन डिफरेंट होता है। अगर आप एक रूम में स्टेप्स काउंट करते हो, ठीक है, कि तो हो सकता है कि जो छोटा सा बेबी है उसके स्टेप ज्यादा हो, एंड कोई अडल्ट है उसके स्टेप्स कम हो, बिकॉज उसके फुट छोटे बड़े हो सकते हैं। सिमिलरली ये देखो, ये स्पैन होता है, हैंड स्पैन, ठीक है। अगर मैं इस बुक को मेजर करूं तो ये मेरे हैंड स्पैन के अकॉर्डिंग 2 हैंड स्पैन है, और अगर आप मेजर करने लगोगे तो आपके 3 भी हो सकते हैं, बिकॉज आपके हैंड स्मॉल है। ओके, सिमिलरली ये क्यूबिट होता है, फिंगर से लेकर एल्बो तक 1 क्यूबिट। एंड पेस, ओके, व्हेन यू वॉक द डिस्टेंस बिटवीन 1 फुट टू अनदर फुट इज पेस। ओके, आपके एक स्टेप के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम पेस बोलते हैं। अब कुछ है स्टैंडर्ड, कुछ चीजें हैं जो हमने बिल्कुल एक्यूरेट उनको मेजर करके बनाया है, ताकि हम उनकी हेल्प से चीजों को मेजर कर सकें। So, देखो ये हमारा है वेट, हम इससे किलो, हम कुछ भी इससे मेजर कर सकते हैं। यहां पे रखो और ये यहां पर ये ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, यहां पर इसके नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इससे हम किलो ग्राम्स में, किलोज में कुछ भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्केल, इसकी हेल्प से आप पेंसिल की लेंथ मेजर कर सकते हो, एग्जैक्ट आएगी, ठीक है, पेन की लेंथ कर सकते हो, बुक की कर सकते हो। नेक्स्ट दिस इज इंच टेप, इसकी हेल्प से जो टेलर्स होते हैं वो क्लोथ मेजर करते हैं, है ना, बिकॉज ये मीटर्स में इससे मेजर होता है, मीटर्स, एंड ये स्केल आपका सेंटीमीटर्स के लिए, एंड ये इंच टेप आपका मीटर्स के लिए और फुट के लिए भी यूज होता है। ओके, सो आज बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम इससे रिलेटेड सम करेंगे। थैंक यू।